नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव। मैं आपको गेहूं में उगने वाले सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूं का मामा, पर्वतिया जई आदि जो सकरी पत्ती वाले अनैच्छिक रूप से बिना बोए ही गेहूं के फसलों में उग आते हैं, जिनका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है, इनको रोकथाम के लिए क्लोडिनोफॉब प्रोपर जाइल 15% %, WP, जो WP। कि क्रिस्टल कंपनी का अवतार के नाम से आता है, इसका उपयोग किया जाता है। 160 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। ये 160 ग्राम का पैकेट आता है, जिसमें 20-20 ग्राम के 8 पैकेट होते हैं। 20 ग्राम का एक पैकेट एक टंकी पानी यानी कि 15 लीटर पानी की मात्रा के लिए पर्याप्त होता है। इसका घोल बनाकर स्प्रे करने से इसमें उगने वाले सकरी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं, फसलों को बिना हानि पहुंचाए ही नष्ट किए जाते हैं। इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि इनकी रोकथाम नहीं की गई तो इनका सीधा असर हमारी फसलों के पौधों पर होता है, जिनका फसलों की पौधे कमज़ोर हो जाते हैं तथा उपज पर सीधा असर इनका पड़ता है। फसलों की उपज कम हो जाती है और जिससे हमारे लागत ज़्यादा लगती है और हमें उत्पादन कम मिलता है। अतः गेहूं की फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए क्लोडिनोफाब, जो कि मार्केट में इनका व्यापारिक नाम क्रिस्टल कंपनी का अवतार के नाम से आता है, का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सके। दूसरी कंपनी का ये, जैसे कि अदामा कंपनी का क्लोडिनोफॉब आता है, जो सेम डोज यानी कि सेम मात्रा 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका घोल बनाकर स्प्रे किया जाता है, जो कि जिसमें 20 ग्राम का पैकेट होता है। 20 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है। इसका घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करने से गेहूं की फसल में उगने वाले सकरी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और गेहूं की फसल पर कोई प्रभाव इसका नहीं होता है। इसका स्प्रे करने के बाद तकरीबन 6 से 7 दिनों के अंदर सकरी पत्ती के सकरी खरपतवार पत्ती के नासी पीले पड़ने खरपतवार लगते पीले हैं। पीले पड़ने लगते हैं। पड़कर ये स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और हमारी फसलों पर इन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान किसान भाइयों, भाइयों इस और चैनल को अधिक लाइक, जानकारी के सब्सक्राइब लिए और शेयर इस चैनल को लाइक, जरूर करें। सब्सक्राइब और शेयर धन्यवाद। जरूर करें।